क्या दोस्तों आप भी बनाना चाहते हैं पावर पॉइंट के अंदर इस तरीके की खूबसूरत सी वॉच, जो दोस्तों आपको देखने में भी अच्छी लग रही होगी और चलने में भी। आप दोस्तों देख रहे होंगे इसकी सेकंड की सुई अलग चल रही है, मिनट की सुई अलग चल रही है, घंटे की हमने चलाई नहीं है क्योंकि दोस्तों हमारी डिजाइन हो जाएगी काफी लंबी। तो दोस्तों इस तरीके की खूबसूरत सी पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशन बनाने के लिए वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। वीडियो से अगर आपको हेल्प मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू कर लेते हैं अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं अपने सर्च बटन पे और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग दोस्तों पावर पॉइंट। तो हमने दोस्तों यहाँ पावर पॉइंट पर क्लिक कर दिया। जैसे आप देखेंगे दोस्तों पावर पॉइंट हमारे सामने खुल के आ गया। हम यहाँ दोस्तों पावर पॉइंट 2010 को यूज कर रहे हैं। आपके पास दोस्तों जो भी ऑफिस हो उसको आप दोस्तों यहाँ यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, इसके लिए हम दोस्तों लेआउट पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे ब्लैंक। अब दोस्तों हम कीबोर्ड से F5 दबाते हैं। तो दोस्तों अब जैसे ही F5 दबाएंगे साइड में आप देखेंगे दोस्तों दोनों तरफ आपके पास खाली जगह आ रही है। इस खाली जगह को हटाने के लिए आपको दोस्तों जाना है डिजाइन पे और दोस्तों यहाँ से लेना है पेज सेटअप। यहाँ से आप दोस्तों स्लाइड साइज आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके दोस्तों इसको 16:9 पर क्लिक करेंगे एंड ओके। आपका साइज दोस्तों पेज का कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आप दोस्तों कीबोर्ड से F5 दबाएंगे तो आप देखेंगे दोस्तों पूरी स्क्रीन आपके सामने यहाँ भर के आ रही है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे अपनी घड़ी की शेप बनानी है। तो दोस्तों घड़ी की शेप बनाने के लिए हम यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक सर्किल ले लेते हैं। इस सर्किल को दोस्तों हमने अपने पेज पर सेट कर लिया, फॉर्मेट पे गए, यहाँ पे हम दोस्तों एक साइज डाल देंगे। हमने कहा यहाँ पे भाई 6 के देते हैं और यहाँ पे भी 6 दे देते हैं एंड ओके। और इसको दोस्तों यहाँ पे रखते हैं तो देखिए पेपर से बड़ा जा रहा है, तो हम दोस्तों इसको 5:5 कर लेते हैं ओके। तो हमारा ये यहाँ पर इस तरीके से एक सर्किल आ गया पेज के बीचा बीच में। अब इस डिज़ाइन को दोस्तों पेज के बिल्कुल बीचा बीच में करना है। तो हम दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे, अलाइन पर जाएंगे सेंटर और अलाइन पर जाके मिडिल। तो ये दोस्तों बिल्कुल बीचा बीच में हमारे पेज के आ चुका है हमारा सर्किल। अब दोस्तों हम इसके अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों इसके अंदर का जो कलर है इसको हटा देंगे और जो दोस्तों हमारी आउटलाइन आ रही है इनको मोटी करने के लिए शेप आउटलाइन पर जाएंगे। यहाँ से शेप आउटलाइन पर गए और दोस्तों मोर लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम दोस्तों इसके साइज को कर देंगे 10 का। तो आप देखेंगे दोस्तों इस तरीके का सर्किल आपके सामने बन के आ चुका है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, सुइयाँ लगानी है। तो दोस्तों सुइयों को परफेक्ट तरीके से लगाने के लिए हमें यहाँ शेप पर ही जाना है और यहाँ पर हम दोस्तों नीचे तरफ आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों स्टार एंड बैनर लिख रहा है, इस पर दोस्तों आपको जो 12 नंबर लिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है 12 स्टार पॉइंट, इसको दोस्तों आपको यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद इसको यहाँ बीच में रखेंगे, ये येलो पॉइंट आ रहा है इसको पकड़ के यहाँ से बीच में हम छोटा कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको हम दोस्तों अपने पेज के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो हम दोस्तों सर्किल पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट दबा के जो हमने स्टार लिया इस पर भी क्लिक करेंगे। फिर से हम फॉर्मेट पर जाएंगे, अलाइन पर जाएंगे, सेंटर पर जाएंगे, अलाइन पर जाएंगे, मिडिल पर जाएंगे, तो बिल्कुल बीचा बीच में ये आपके पास यहाँ पर सेट होके आ जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पर दोस्तों देने हैं नंबर्स। तो नंबर्स को देने के लिए हम दोस्तों इंसर्ट में गए, वर्ड आर्ट पर गए, यहाँ से हम दोस्तों कोई सी भी एक स्टाइल चूज कर लेते हैं। हमने दोस्तों ये एक स्टाइल चूज कर ली, इसको दोस्तों हमने यहाँ पर दे दिया 12 का फॉन्ट। इसका दोस्तों हम होम पे जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों ये मिडिल चल रहा होगा, इसको हम दोस्तों लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे। अब इसके फॉन्ट के साइज को छोटा करना है तो हम दोस्तों यहाँ फॉन्ट के साइज को छोटा कर लेते हैं अपनी घड़ी के अकॉर्डिंग, जितने हमें दोस्तों यहाँ पर नंबर रखने हैं। तो हमने दोस्तों ये एक साइज ले लिया, परफेक्ट है हमारे अकॉर्डिंग, सही है। कंट्रोल दबाएंगे और दोस्तों नीचे जो दो बिंदियों बीच में प्लस पॉइंट आ रहा है इस पर हम क्लिक दबाएंगे और दोस्तों यहाँ से इसकी हम कॉपी कर लेंगे और इसकी कॉपियों को हम दोस्तों यहाँ पे 12 बार सभी के अंदर कर लेंगे सेट। अभी आप दोस्तों नॉर्मली रख लीजिए क्योंकि हम दोस्तों बाद में जब हम सेट करेंगे तब इनको दोस्तों थोड़ा परफेक्टली तरीके से सेट कर लेंगे। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 12 नंबर आ रहा है, इस पर हमने क्लिक किया, इसको हम दोस्तों ऊपर तक शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक किया हमने दोस्तों 1 दे दिया, इसके पॉइंट पर क्लिक किया, इसको भी हमने दोस्तों अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर सेट कर लिया। इसको सिलेक्ट करके 2 करते हैं, इसको भी हम दोस्तों अपनी लाइन के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, यहाँ पे हम 3 करेंगे। इसी तरीके से हम दोस्तों सभी के ऊपर नंबर यहाँ पर डाल देंगे जो भी हमें दोस्तों यहाँ पर नंबर्स को सेट करना है। तो हमने यहाँ पर दे दिया 5 को सेट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट किया, इसको दे दिया हमने 6 को भी हम दोस्तों यहाँ पर सेट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9। दोस्तों देख के रखना है आपको क्या मैटर, हमारा जो टेस्ट है वो दोस्तों हमारी लाइन से ना टकराए, क्योंकि लाइन से टकराएगा तो बहुत ही भद्दा और बेकार लगेगा। तो हमने दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से हमने दोस्तों अपने पास यहाँ पर नंबर डाल दिए। बीच वाले आपको दोस्तों स्टार को रखना है तो आप रखिए, नहीं दें तो आप दोस्तों इसको डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे देखिए नंबर यहाँ पे परफेक्टली तरीके से और यहाँ पे दोस्तों सेट होके आ चुके हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ क्या करना है, हमें चाहिए दोस्तों एक यहाँ पे सुई। तो दोस्तों सुई को डालने से पहले हम दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं अपने सर्किल पे और इसमें दोस्तों कोई भी एक बैकग्राउंड कलर डालते हैं। तो हम यहाँ दोस्तों चलते हैं टेक्चर पर और यहाँ से ले लेते हैं मोर।
मोर ग्रेडियंट्स कलर आ रहा है, इस पर हमने क्लिक किया। और दोस्तों यहाँ से क्लिक करके हम यहाँ चलते हैं ग्रेडियंट कलर पर। यहाँ से आप दोस्तों कोई भी कलर की शेड ले लीजिएगा जो आपको अच्छी लगे। और इसके बाद दोस्तों इसको यहाँ से हम कर देंगे पाथ, तो कुछ इस तरीके की हमारे पास दोस्तों फ्रेमिंग यहाँ आ जाएगी। इसको हमने क्लोज कर दिया। अब इसकी आउटलाइन पे चलते हैं, आउटलाइन के कलर को भी थोड़ा सा स्टाइलिश करते हैं, क्योंकि ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ दोस्तों ग्रीन कलर, येलो कर लेते हैं, येलो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसके अकॉर्डिंग। इसके बाद दोस्तों हमने कंट्रोल ए कर लिया, फॉन्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। हम दोस्तों यहाँ से क्लिक करते हैं, फॉन्ट के साइज को भी यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, ताकि हमारा फॉन्ट भी यहाँ पे अच्छा और अट्रैक्टिव लगे। अब दोस्तों आपको पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो आप दोस्तों चलिए डिजाइन पर, और डिजाइन पर जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे अपने पेज के अकॉर्डिंग। अगर आपको चेंजेस करना है तो आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पर चले जाइए, यहाँ से भी आप दोस्तों कोई भी ग्रेडियंट कलर वगैरह कोई भी आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे आपके पेज के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ दोस्तों कोई भी कलर चुन लेते हैं, ये हमने कलर ले लिया। इसको भी दोस्तों आप यहाँ से रेडियस कर सकते हैं, सर्किल कर सकते हैं, जो भी आपको कलर परफेक्ट लगे वो आप दोस्तों यहाँ से चूज कर लीजिएगा एंड क्लोज। तो देखिए दोस्तों हमने अपना बैकग्राउंड डाल दिया, और दोस्तों हमारे पास जो घड़ी है उसमें भी हमने दोस्तों कलर रख दिया है। आप दोस्तों अगर बैकग्राउंड कलर ना रखना चाहें तो आप दोस्तों बैकग्राउंड कलर को यहाँ से भी डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे इफेक्ट आपके सामने दोस्तों देखने के लिए आ जाएंगे। चलिए हम ये इफेक्ट रख लेते हैं, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसके अंदर सुइयाँ बनानी है। तो सुई बनाने के लिए हम इंसर्ट में गए, शेप में गए, और यहाँ से हम दोस्तों सुई बनाने के लिए कोई भी एक डिज़ाइन लेते हैं। हम दोस्तों ये वाली एक डिज़ाइन लेंगे अपनी सुइयों को बनाने के लिए। तो हमने दोस्तों यहाँ पर ये एक सुई के लिए डिज़ाइन बना दी। येलो पॉइंट को पकड़ेंगे, इसको दोस्तों बिल्कुल हम मिला देंगे आपस में। तो देखिए ये हमारा कलर यहाँ मिल गया। इसके अंदर कोई भी कलर ले लेते हैं जो हमें अच्छा लगे। हम यहाँ ब्लैक कर लेते हैं, उसके आउटलाइन कलर कर देते हैं नन। और इसको दोस्तों यहाँ से कर लेते हैं थोड़ी पतली, क्योंकि काफ़ी मोटी सुई लग रही है। तो अब दोस्तों हमें सुइयों को हमने यहाँ पे दोस्तों इसको ब्लैक कर लिया। कंट्रोल दबाएंगे, इसकी एक कॉपी उठाएंगे, और दोस्तों इसको हम यहाँ से कर देंगे वर्टिकल। तो हम रोटेट पे गए, फॉर्मेट के अंदर रोटेट, और यहाँ से हम दोस्तों इसको कर लेंगे यहाँ से वर्टिकल। तो हमने दोस्तों वर्टिकल किया, इसकी शेप आ गई। इसको हमने दोस्तों यहाँ नीचे लगाया, शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट करेंगे, और फॉर्मेट में जाके इसको कर देंगे ग्रुप। और यहाँ से इसके साइज़ को हम दोस्तों सेट कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको उठा के दोस्तों यहाँ पर हम अपने डिज़ाइन के बीच में लगाएंगे बिल्कुल परफेक्टली तरीके से, दोनों तरफ से बिल्कुल अटैच होकर चले हमारी डिज़ाइन। अब दोस्तों हमें इसमें क्या करना है, अब दोस्तों हमने अपनी स्लाइड पर क्लिक किया, और दोस्तों नीचे जो स्लाइड आ रही है, नीचे हमें दो टुकड़े हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो हम नीचे वाले टुकड़े पर क्लिक करेंगे, तो देखिए नीचे का टुकड़ा सिलेक्ट हो गया। फॉर्मेट पर यहाँ पर दोस्तों शेप फिल पर आए, और दोस्तों यहाँ से हमने कर दिया इसको नन। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे सामने डिज़ाइन बन के आ जाएगी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर रोटेट करना है। तो दोस्तों रोटेट करने के लिए हम यहाँ चलते हैं एनिमेशन पर, यहाँ से क्लिक करेंगे, और यहाँ से ले लेंगे हम दोस्तों स्पिन। तो देखिए ये सुई कुछ इस तरीके से आपके सामने घूमेगी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें चलना है दोस्तों एनिमेशन पेन पर। यहाँ पे हमने एनिमेशन पेन खोला, तो अब हम दोस्तों इसकी सुई की सेटिंग को सेट करेंगे। यहाँ से हमने क्लिक किया, और दोस्तों यहाँ से हम आ गए टाइमिंग सेक्शन पे। तो यहाँ पे दोस्तों इसका टाइमिंग सेक्शन आ गया। यहाँ पे दोस्तों इसकी ड्यूरेशन चल रही है, आपको इसको कितनी तेज़ चलाना है। तो भाई सेकेंड की सुई है, तो दोस्तों 60 सेकेंड में 1 मिनट घूमेगी। हमने इस पर क्लिक कर दिया, और यहाँ से क्लिक करके हम यूनिट एंड ऑफ स्लाइड पर क्लिक कर देंगे एंड ओके। तो देखिए दोस्तों हमारी सुई यहाँ पर घूमनी शुरू हो गई। अब हम दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल दबा के इसकी एक कॉपी उठा लेते हैं। हमारे पास दूसरी कॉपी आ गई। अब हम दोस्तों फिर से इसके ऊपर एक बार और क्लिक करेंगे, तो केवल ऊपर का हिस्सा सिलेक्ट हो गया। फॉर्मेट में गए, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ से हमने दोस्तों इसकी सुई में कोई भी एक दूसरा कलर दे दिया। मैंने कहा चलिए यहाँ पर्पल कलर दे देता हूँ, और इसको दोस्तों ऊपर से मैं थोड़ा सा यहाँ पर, अब दोस्तों मैं इस सुई को यहाँ ऊपर से रखूँगा, और यहाँ पर दोस्तों इसको थोड़ा पतला कर लूँगा, और थोड़ी सी इसको मोटी कर दूँगा, ताकि ये मेरे पास मेरी घंटे की सुई बन जाए। और इसको दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया रोटेट, और 90 डिग्री पर घुमा देता हूँ, ताकि ये कुछ इस तरीके से आ जाए। अब दोस्तों हमने इसकी कॉपी क्यों की है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो एनिमेशन डाला हुआ था वही इसमें भी आ गया। अब हम दोस्तों यहाँ पर F5 दबा के देखते हैं। तो देखिए पहली सुई घूम रही है, एक बार एंटर करता हूँ, और दोस्तों F5 दबाता हूँ दोस्तों, पहले हम एंटर करते हैं, तो देखिए सेकेंड की घूम रही है, दोबारा दबाता हूँ, तो अब देखिए मिनट की और सेकेंड की दोनों एक संग घूम रही है हमारी। तो दोस्तों हमने सेकंड वाली सुई के अंदर एनिमेशन दे दिया है। अब हम दोस्तों मिनट वाली सुई पर आते हैं, और दोस्तों यहाँ से क्लिक करते हैं, और दोस्तों यहाँ से हम टाइमिंग सेक्शन पे ही चलते हैं। अब दोस्तों इसकी टाइमिंग आपको क्या रखनी है, दोस्तों हम ज़्यादा लंबी टाइमिंग नहीं रखेंगे। हम दोस्तों ज़्यादा लंबी टाइमिंग नहीं रखेंगे, क्योंकि दोस्तों इस प्रेजेंटेशन को खत्म होने में दोस्तों बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते हैं, और इसकी टाइमिंग को हम नॉर्मली दोस्तों सेट कर देते हैं, सपोज देन 300 पर। और दोस्तों यहाँ से क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम दोस्तों इसको रिपीट को लगा देते हैं, यूनिट एंड ऑफ स्लाइड एंड ओके। तो देखिए दोस्तों हमने दूसरी वाली में भी एनिमेशन दे दिया। अब हम दोस्तों तीसरी एक और कॉपी कर लेते हैं इसकी, और उसको पेस्ट कर देते हैं। इसको हम दोस्तों फिर से यहाँ पर रोटेट कर लेते हैं। तो हम दोस्तों फॉर्मेट पर चलते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं, इसको भी 90 डिग्री पर रोटेट कर देते हैं, और इसको उठा के दोस्तों हम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर लेते हैं अपने पास। तो हमने दोस्तों यहाँ फ्रेम को सेट कर लिया। अब हम दोस्तों एक बार और इस पर क्लिक करेंगे, ताकि हम दोस्तों इसके कलर को यहाँ पर चेंज कर पाएँ। तो हमने दोस्तों यहाँ से इसके कलर को चेंज कर दिया।
अब हम दोस्तों पहले एक बार F5 की को प्रेस करके देखते हैं। तो देखिए हमारी सुई कुछ इस तरीके से, देखिए सेकंड और मिनट दोनों ही हमारी चल रही है, घंटे की भी चल रही है, लेकिन दोस्तों हम घंटे की सुई को यहाँ पे बंद कर देंगे क्योंकि इस पर हमें एनिमेशन नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी एनिमेशन हो जाएगी। अब हमें दोस्तों क्या करना है, इसके ऊपर एक डार्ट लगानी है। तो हम दोस्तों यहाँ पे एक सर्कल ले लेंगे, इसके साइज को हम दोस्तों फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ से सेट कर लेते हैं 0.5 कर देते हैं दोनों में। अब दोस्तों इसके अंदर कलर देना है आपको, तो कोई भी कलर आप यहाँ से चूज कर लीजिए, जो भी कलर आपको यहाँ पे अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे ये कलर ले लेता हूँ। अब दोस्तों हमने सर्किल बनाया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और दोस्तों इसको अलाइन करेंगे, यहाँ से करेंगे सेंटर और यहाँ से दोस्तों हम क्लिक करके इसको कर देंगे मिडिल। तो देखिए डार्ट हमारी बिल्कुल पेज के बीचा बीच में यहाँ पे आकर लग चुकी है। अब हम दोस्तों कीबोर्ड से F5 की को प्रेस करते हैं और दोस्तों आप देखेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके की कमाल की एक पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बन चुकी है, जो दोस्तों हमारी वॉच की है। देखिए यहाँ पे हमारी सेकंड की सुई चल रही है और यहाँ हमने मिनट की चला रखी है और सेकंड वाली सुई को हमने दोस्तों यहाँ बंद कर दिया है। यहाँ थोड़े से देखिए दोस्तों फॉन्ट हमारे थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं, 3 और 5 नंबर, तो हम 3 और 5 नंबर को हम दोस्तों यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो हमने दोस्तों 3 पर क्लिक किया, थोड़ा सा इसको अंदर ही तब कर देते हैं और दोस्तों 5 पर क्लिक किया, इसको भी हम दोस्तों थोड़ा सा यहाँ से अंदर ही तब कर लेते हैं। अब हम दोस्तों फिर से F5 दबाते हैं, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे आपके सामने एक खूबसूरत सी पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनके तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको और भी इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।